कुरान कितना इंपॉर्टेंट है, कुरान के लिए कितने अच्छे, सस्ता मौलाना कौन है कुरान पढ़ाएगा, ये फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते मौलाना साहब, कुरान पढ़ाने के पैसे क्यों लेते हैं, वो लेवल ए लेवल की फीसें भर भर के देनी है हमने, बेहतरीन इंस्टीट्यूट, बेहतरीन कुरान क्या है, ऐसी पढ़ लेगा मस्जिद के मौलवी बेचारे टोपी पहन के आएंगे बेचारे, थोड़ी देर पढ़ेंगे जी आगा साहब पानी पिला दो मौलाना साहब चले गए, मोहल्ले की बाजी कुरान पढ़ा देती है ऐसी, तो जब अपनी बाजी से कुरान पढ़ा तुमने, कुरान अच्छी बात है पढ़ लें कुरान ठीक है अच्छी, कम से कम पढ़ तो लें किसी से, लेकिन असल कुरान तदब्बुर और तफक्कुर है, कुरान कई जगह कह रहा है या उलिल अलबाब है अकलमंद, अगर कामयाबी चाहते हो तदब्बुर तफक्कुर, कितना तदब्बुर और तफक्कुर है कुरान के ऊपर। मौलाना साहब बोले मौलाना साहब इतने सारे मसलक हैं उतने ही तर्जुमे हैं कुरान के, ठीक है अगर आप स्ट्रेट तर्जुमा भी ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी दफा कुरान का तर्जुमा पढ़ा, कितनी दफा उसको समझा, फिर कितनी दफा तफसीरों का मुताला किया। आप बोले मौलाना साहब अगर सब हम ही पढ़ लें तो फिर आपको क्यों बुलाते हैं मजलिस पढ़ने के लिए, यार भाई हम यही तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हम यही चाहते हैं कि जब आप तफसीर भी पढ़ लेंगे ना तो मौलाना फिर उससे भी ऊपर कुछ पढ़ के आएगा, जब हम नॉर्मल टेक्स्ट ही नहीं पढ़ रहे, इस्लाम का ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट कुरान है, कुरान ही जब हमारे वजूद में नहीं, हम कुरान पढ़ते हैं जब मरूमी, कुरान खानी में कोई भी नहीं आता, वैसे भी लोग बाद में आते हैं, खाना कब होगा मजलिस के बाद उसमें पहुंच गए, कुरान खानी बेचारे कुछ लोग घर वाले बैठे होते हैं, कुरान खानी ऐसी होती वो भी सवाब के लिए, जो आता भी सवाब के लिए, कुरान सवाब के लिए, बेटी की शादी हुई कुरान दे दो साथ मखमल के कपड़े में लपेट के दे दो, इतना लपेटो कि कभी जिंदगी में खोले ही नहीं, ईद के टाइम पे दस लटेगी, बाकी कुरान कहाँ है, सफर पे जा रहे हो अगर आपके घर में अच्छा रिवाज है तो आपके घर के सर के ऊपर कुरान रख लेते हैं, चलो कुरान सुनो अगर अच्छे हैं, वरना तो जाओ जल्दी, किधर है कुरान कहाँ है, कुरान को देखना इबादत, सुनना इबादत, पढ़ना इबादत, लेकिन जब तक ये तफक्कुर में तदब्बुर में तब्दील नहीं होता, कुरान माशरे को ड्राइव नहीं करेगा। कारी बहुत है, कारी इमाम हुसैन के मुकाबले में थे, हमारे पास सबसे पहला जवाब यही, जब आप बोलो ना कुरान पढ़ो, मोहन साहब वो तो इमाम हुसैन के सामने जो लोग खड़े थे कारी थे कुरान के, तो क्या करें कुरान पढ़ना छोड़ दे, नमाज भी पढ़ते थे वो लोग, बहुत से लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, नाते के कुरान जब जंग में नेजों पर खाली डब्बे थे, वो कुरान भी नहीं था, उठाया लोग हिल गए, मौला कुरान कुरान, बेबसीरती का यही आलम होता है जब इंसान वली जमान से दूर हो जाए, क्या कहा मौला कुरान उठा लिया नेजों पे, इमाम ने फरमा मैं ना देखे कुरान हूं, मेरी समझ में नहीं आ रही तुम्हें, अज़ाने मोहतरम, अगर हम चाहते हैं इन शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज, अगर चाहते हैं वक्त के इमाम तक पहुंचे, अगर चाहते हैं, आयतुल्लाह उज़्मा बैजत फरमाते थे रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, लोग कहते थे वजीफा दे इमाम जमाना की ज्यारत करे, हर किसी को वजीफा चाहिए, वजीफा वाली कौम है हम तो वैसे भी, वजीफा दे दे इमाम जमाना का ज्यारत करे, वो कहते थे कि अगर इमाम जमाना की ज्यारत चाहते हो तो कुरान की ज्यारत करो,